नमस्कार, मैं हूँ उभय। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लगा तबला लेसन में। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको कहरवा ताल के छोटे छोटे से मुखड़े बताने वाला हूँ। आप उन्हें छोटे छोटे से मुखड़े भी कह सकते हैं या फिर आप अलग से कहरवे के पैटर्न्स भी बोल सकते हैं, दोनों सही होंगे। आप खुद समझ जाएंगे। पूरा वीडियो जरूर देखेगा क्योंकि पूरा वीडियो देखने के बाद में आप दोनों मुखड़े या फिर दोनों पैटर्न सही से सीख पाएंगे। तो बिना वक्त गवाए मैं आपको आपका पहला पैटर्न या फिर पहला मुखड़ा बजा के दिखाता हूँ कौन सा है। तो कहरवे के साथ बजाएंगे 1 2 3। अब इसमें मुखड़ा क्या हुआ और इसमें पैटर्न अलग से क्या मैंने बजाया। इसमें मुखड़ा अलग से ये हुआ कि इसके आगे अपन ने लगाया है, तो ये इसका एक मुखड़ा हो गया। ये जो किड़ता की तित्ता अपन जो लगा रहे हैं, ये इसका मुखड़ा हो गया। और अगर आप इसी पैटर्न को अगर बार बार भी बजाओगे तो वो एक अच्छा, बहुत अच्छा आपको एट्रैक्टिव पैटर्न भी बन जाएगा। तो बहुत अच्छा पैटर्न भी है और बहुत अच्छा मुखड़ा भी है। ठीक है, तो अपन मैं बताता हूँ इसको कैसे बजाना है। तो आपको कहरवा बजाना तो आता ही है, ये वाला, ये वाला कहरवा मैं पहले ही बहुत वीडियो में आपको बता चुका हूँ। और अगर आपको ये नहीं आता है तो इसके नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इसकी वीडियो की, तो आप वहां से जाके इस कहरवे को देख सकते हो। तो इसका करना क्या है, चेंज आपको चाटी जैसे ही चलेगी। अब इधर डग के साइज से क्या चेंज आएगा, धीट ती धा। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, धीट ती धा, धीट ती धा। ठीक है, एक और बार, धीट ती धा। क्लियर है, धीट ती धा, धीट ती धा। फिर तीट धीता, ये सेकंड पार्ट, ती ट धी ता, ती ट धी ता, ती ट धी ता। एक और बार, ती ट धी ता। दोनों पार्ट एक साथ बजाएंगे, धी ट ती धा, फिर ती ट धी ता, धी ट ती धा, ती ट धी ता। फिर वापस, धी ट ती धा, ती ट धी ता। और थर्ड पार्ट, ती धी ती ता। इसमें आपको पहला छल्ला आएगा, फिर धी में आपको बेस नीचे स्लाइड करना है इस तरह से, और फर्स्ट फिंगर से आपको ती लगाना है सेंटर में, यहाँ इस तरह से। सेंटर क्या, जहां पर अपन तीटे बजाते हैं उस जगह पे। ठीक है, अब ये ती, फिर धी, और फिर ती, और ये ता। ठीक है, ती ता, ती धी ती ता, ये तीनों पार्ट हो गए। अब एक एक करके बजाएंगे, धी ती धा, ती धी ता, ती धी ती ता। फर्स्ट पार्ट क्या था, धीट ती धा, सेकंड पार्ट, टीट धीता, और थर्ड पार्ट, ती धी तीता। फिर फोर्थ पार्ट में क्या आएगा, वो अपना मुखड़ा, किट तक तीता, किट तक, ये किट तक, ये कैसे लगाएंगे, किट तक, क इधर से आएगा, क इस तरह से, ये की, फिर ट, ट, ये की लगाया इधर से, की, फिर ट, और ये ता, कीट वाला, कीट त, कीट त, और वापस से क, कीट तक, कीट तक, कीट तक, कीट तक, फिर ती, फिर आप आइए, कीट तक, फिर ती, और ये ता, कीट तक ती ता, कीट तक ती ता, कीट तक ती ता, कीट तक ती ता। अब इसको बजाएंगे पूरे मुखड़े को, चीज ध्यान रखना है, किट तक तीता की स्पीड ठेके से दुगनी होगी। ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो एक बार इसको कहरवे के साथ बजाते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, अभी अपन अपना दूसरा मुखड़ा देखते हैं।
तो सेकंड मुखड़े से पहले बता दूं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर देना, क्योंकि चैनल के ऊपर आपको हमेशा ढोलक तबला से रिलेटेड ऐसे लेसन मिलते रहेंगे। और अब आप मुझे कमेंट करके अपना क्वेश्चन भी बता सकते हैं, मैं 100% आपके लिए एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो चलते हैं अपने सेकंड मुखड़े की तरफ। तो सेकंड मुखड़ा क्या है वो मैं आपको बजा के दिखाता हूँ। 1 2 3 4 ये गैरवा चल रहा है। 1 2 3 4 ये वाला भी बहुत इजी है। अपन ने इसके बाद जो पहले वाला जो मुखड़ा किया है उसके जैसा ही है, सिर्फ इसमें आगे का अपने को वो मुखड़ा हटाना है, उसकी जगह दूसरा मुखड़ा लगाना है। बताता हूँ इस तरह से बजाना है। तो इतना अपन ने पहले वाले मुखड़े में किया है। फिर क्या करना है, टी टी ता, इसमें थाप लगा देंगे आप, फिर ट, फिर ती और फिर ता, टी टी ता, सिर्फ ता खुला आएगा, ता में आंस आना चाहिए, बाकी सब वर्ड बंद बजेंगे। टीट तीता, टीट तीता, टीट तीता, टीट तीता, टीट तीता, टीट तीता, ठीक है। बजाते हैं इसको साथ में, गैरवा चल रहा है, अब पैटर्न बजाएंगे। 1 2 3 4 ये आपके दोनों पैटर्न्स कंप्लीट हो चुके हैं। बहुत अच्छे पैटर्न्स हैं, आप इसको लाइव प्रोग्राम में बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। मैं खुद इन पैटर्न्स का यूज करता हूँ लाइव प्रोग्राम वगैरह में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं अगर आपको कोई बेहतर क्वेश्चन होता। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।